अब 13 क्लोटिंग फैक्टर को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है जो मेरे को मिला था, ये आप ट्रिक देख सकते हैं। फ्रेशर्स पार्टी टुडे कम ऑन लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन, आराम से याद हो सकता है। ये अगर आपको लाइन याद हो गया तो आपके हिसाब का है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इनका फर्स्ट लेटर आपको उठाना है, एफ पी टी सी एल एस ए सी एस पी एच और एफ। इस तरीके से जब आप इनके फर्स्ट लेटर उठा लेते हैं, इससे आपका क्लोटिंग फैक्टर बन जाएगा। बाकी याद तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो 13 क्लोटिंग फैक्टर जब आप देखते हैं, तो सबसे पहला जो क्लोटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, इनको समझने के लिए जो लास्ट में लाइन लिखी है वो पहले समझ लेते हैं। तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो नाम दिया गया है, ये अधिकतर साइंटिस्ट के नाम पे हैं, हु डिस्कवर्ड देम, ठीक है, जिसने डिस्कवर दिया एज पर देयर एक्टिविटी, और उनके एक्टिविटी के हिसाब से इनको नाम दिया गया है, एक्सेप्ट फैक्टर नंबर 9। जो 9 नंबर का फैक्टर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्रिसमस फैक्टर, ये किसी पेशेंट में एब्सेंट था तो उसके हिसाब से इसको क्रिसमस नाम दिया गया है। बाकी सारे के सारे साइंटिस्ट के हिसाब से, उनके एक्टिविटी के हिसाब से नाम दिया गया है। अगला रोमन्स न्यूमेरिकल्स में इनको नाम दिया गया है क्लोटिंग फैक्टर्स को, बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड, मतलब जिस जिस क्रम से इनको खोजा गया है या पाया गया है या डिस्कवर्ड किया गया है, उसके हिसाब से इनको सीरीज में जमा करके रखा गया है। ये मत समझिए कि पहला वाला पहले एक्टिवेट होगा, फिर यहाँ दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे नहीं होता है। जब अभी हम इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले नंबर पर कौन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर आप फिब्रिनोजन देख रहे होगे, तो ये तो लास्ट वाली है कि फिब्रिनोजन से आपका क्या है, फिब्रिन कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये पहले तो होने वाली क्रिया नहीं है। फिब्रिनोजन से फिब्रिन आपका जो है लास्ट में बनता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा नंबर क्या है आपका, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन इसके ऊपर वाली कॉमन पाथवे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप चले जाइए थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर है ये, तो ये कहाँ पर मिलेगा, एक्सटेंसिक में आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, कौन सा वाला फैक्टर नंबर 3 जो है आपका, इसको आपको याद रखना है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सटेंसिक पाथवे जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको कौन मिलेगा, ये टिश्यू फैक्टर। नाम भी स्पष्ट टिश्यू फैक्टर क्यों पढ़ा है, आपको एग्जांपल में पूछेगा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि टिश्यू फैक्टर के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है, उसमें बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर और राइट आंसर आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, इसलिए आपको याद करना भी जरूरी है, क्लियर है। तो यही जो नाम दिया गया एफ से, पी से, टी से, है ना, और उसके बाद फोर्थ नंबर जो आपका कैल्शियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इतनी जगह है कि जैसे जैसे आप इंट्रेंसिक में पढ़ेंगे, एक्सट्रेंसिक में पढ़ेंगे, जो भी एक्टिविटी वहाँ हो रहा है एक्टिवेट करने का, तो वहाँ पर इस कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द जितने भी जगह हैं जहाँ पर एक्टिवेशन का काम हो रहा है। तो इसलिए आप इसको कैल्शियम को याद रख लीजिएगा, कि क्योंकि कैल्शियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका लेबाइल फैक्टर, ठीक है, प्रोएक्सलेरिन और एक्सलेरेटर ग्लोबुलिन भी इसको बोला जाता है, पाँचवें नंबर को। और ये फैक्टर नंबर 5 जो है, जब आप देखेंगे 10th और 10th ए में जब कन्वर्ट हो रहा है लास्ट में, ठीक है, तो पाँचवा नंबर का जो फैक्टर वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पॉजिटिव फीडबैक जब मिलेगा तो इसी को मिलता है, और यही जो है एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे को और गति से बढ़ने के लिए मदद करता है, इसलिए फैक्टर नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। तो सारे के सारे, एक नहीं अगर एक्टिवेट होगा तो आगे की प्रोसेस चलेगी नहीं, लेकिन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट उनको मान लेते हैं जो कि लास्ट स्टेप में होता है या स्टार्टिंग कर रहा होता है या फिर बहुत जगह हेल्प कर रहा होता है रिएक्शन में, लेकिन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद 6th पे जाएंगे तो ये वाला जो है अभी प्रेजेंट नहीं है या फिर इसको प्रूव नहीं किया गया है ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर पे स्टेबल फैक्टर है, प्रो कन्वर्टिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद 8th नंबर का आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, ये आपको पता होगा कि हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको पूछा जाता है कि हीमोफीलिया ए बी सी, ठीक है, तीनों जो हैं अलग अलग एग्जाम में पूछेंगे कि कौन से क्लोटिंग फैक्टर के अब्सेंस के कारण होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनको भी आपको याद रखना है। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के नाम से आपको जाना जाता है, किसको, ये वाला 8th नंबर। तो जब भी आपसे पूछेगा कि हीमोफीलिया ए किसके अब्सेंस में होता है, तो फैक्टर नंबर आपको बताना पड़ेगा ए 8, ठीक है, आपको पूछा भी गया एग्जाम में। उसके बाद 9th की बात करेंगे तो क्रिसमस फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स भी इसको बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी इसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 10th वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, क्यों, क्योंकि आखिरी वाला जो है 10th
इंट्रेंसिक का हो या एक्सटेंसिक का हो, ठीक है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, टेंथ में, तो टेंथ ए में कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहाँ आपकी इंट्रेंसिक ख़त्म हो जाता है और एक्सटेंसिक भी ख़त्म हो जाता है, फाइनल स्टेप है, उसके बाद कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम समझेंगे उसको। अगला आपका कौन सा है, इलेवंथ वाला, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसिपिटेंट, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिडेंट, PTA, शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे, PTA। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कौन सा है, ये आपका सी वाला है। तो ए और बी और सी मैंने तीनों बता दिए हैं, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला है आपका ट्वेल्थ वाला, तो 12वें नंबर का है एजमैन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फैक्टर। अब इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर क्यों बोलते हैं, तो इंट्रेंसिक पाथवे इसी भाई साहब से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, ये आएगा कॉन्टैक्ट में किसके, आपका जो एंडोथेलियम डैमेज हुआ है और वहाँ पर कोलेजन जो एक्सपोज हुआ है, प्लेटलेट्स तो आ ही रहा है ना, और ये वाला भाई साहब आएगा सबसे पहले और ये एक्टिवेट होगा। ये अगर एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस आगे तो चलना ही नहीं है ये समझो, तो इसका एक्टिवेट होना ज़रूरी है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा फर्दर, फिर देन ये आगे कंटिन्यू अदर्स जितने क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट की प्रोसेसिंग यहाँ से चालू होती है, तो इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर बोला जाता है। क्लियर है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है MCQ में। लास्ट हमारा 13 क्लोटिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये मैंने बोला फिब्रिनोजन से जो फिब्रिन बनता है ये लूज रहता है, कैसा रहता है, लूज। तो इसको अगर टाइट करना है या इसको अच्छे से स्टेबल करना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा आपका क्लोटिंग फैक्टर नंबर कौन सा, 13। तो इसलिए इसका नाम दिया है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इतना समझ में आ गया आपको, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लोटिंग फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे और इनको याद कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक दे दिया है, तो ये ट्रिक्स से आप इनको अच्छे से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप इनको ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ये लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर, इनके हिसाब से ये नाम दिए गए हैं, आप ये देख सकते हो, मैच करके भी सारे मैच हो रहे हैं।